मोहन, आके खोल बेटा। संतोषी खुद को संभालो तुम। न जाने किस कर्मों की सजा मेरी अनमोल को मिल रही है। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। इस तरीके से पेशेंट के पास में बैठना अलाउ नहीं है। पेशेंट को अभी आराम की जरूरत है। हेलो मैडम, रास्ता क्लियर है, आप आ सकते हैं। हम तुरंत आते हैं। ठीक। क्यों घबराहट सी हो रही है, हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। चिराग तुम जाकर एक बार अनमोल को देखो ना। आज हमारी बेटी जिस हालत में है उसकी जिम्मेदार तुम हो। आज एक माँ अपनी बेटी के लिए इस बॉनी का जान लेगी। एक्सक्यूज मी, मुझे एक बार मेरी बहन से मिलने दीजिए। आप बिना डॉक्टर की इजाजत पेशेंट से नहीं मिल सकते। मैं समझ रहा हूँ नर्स, बस एक बार मुझे मिलने दीजिए, मेरी फैमिली पूरी परेशान है। आप यहाँ से जाइए प्लीज। प्लीज आप बात समझिए, मुझे अपनी बहन की चिंता है, मैं इसलिए देखने चलाया। अरे मैं आपकी बात समझ रही हूँ मगर आप पेशेंट से नहीं मिल सकते। जाइए प्लीज, आप जाइए। छोड़ो, आज हम इसे मार डालेंगे। ऋषि, इसे क्यों बचा रहे हो तुम? क्योंकि हम इसको इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहते हैं। हम तिल तिल करके मारेंगे अनमोल को। हमारी बहन के एक एक आंसुओं के बदले अब ये हर रोज मरेगी। इसकी तकलीफ से इसका परिवार मरेगा। हर रोज हर पल। अभी तक इसने हमारा सपोर्ट, हमारी दोस्ती देखी है ना, अब ये हमारी दुश्मनी, हमारा नफरत देखेगी। इसीलिए इसको जीना होगा, हमारी नफरत की आग में जलने के लिए इसको जीना होगा। वाह, अब हम इसे नहीं मारेंगे, तुम्हें मौका देते। तुम्हारे परिवार और तुम्हारी बहन के साथ इसने जो किया है उसका बदला तुम लोगे। कुछ देर के लिए ना दोस्ती को भूल जाओ। दोस्ती बहुत निभा ली, अब माँ का एक बेटा और एक बहन का भाई बनके वो फर्ज निभाओ। आपने हमारा जान बचा ली। आप जानते थे, आप गुस्सा में चाहे जो भी कर ले, लेकिन
हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। शुभ्रा तुम यहाँ अनमोल के पास? अनमोल बेटा तुम्हें होश आ गया? देखो ऋषि कैसे तुम्हें मौत के मुंह से खींच के ले गया। ऋषि ऐसा करेंगे? आपको पता था ऋषि, यानी आपने हमको माफ नहीं। नहीं किया हमने तुमको माफ, और ना ही कभी करेंगे। तुमको हमने जिंदगी इसीलिए दिया ताकि तिल तिल करके तुमको मौत दे सके। तुम लोगों ने हमारे और हमारे परिवार के साथ जो किया है, अब उसका कीमत चुकाना पड़ेगा तुमको। अब तुम्हारे सामने खड़ा ये ऋषि तुम्हारा दोस्त ऋषि नहीं, अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी माँ का बेटा और अपनी बहन का भाई बनके अब ये ऋषि तुम्हारी जिंदगी में सैलाब ला देगा। ऋषि, ऋषि रुक जाइए, ऋषि। आज तो ऋषि बेटा का आरती उतारना पड़ेगा। कहे से कि जैसे 14 साल का बनवास श्री राम जी काट के घर लौटे थे, वैसे ही हमारा ऋषि उस बोनिया के चंगुल से छूट के घर आया है। सही कह रही हो, लाओ हम आरती उतारेंगे अपना बेटा का। ये सब कहाँ हो रहा है? आज लकड़ी का छिलका लकड़ी पे फिट बैठा है। उस बोनिया का वशीकरण ऋषि पर से हट गया है। आज ऋषि उस बोनिया को और उसके परिवार को उसका औकात दिखा के आ रहा है। ऋषि तुम क्या करके आए अस्पताल में? तुम तो अनमोल की जान बचाने के लिए उसे खून देने गए थे ना, तो फिर ये सब का है? बचाया है दादी, अपना खून देकर बचाया है, लेकिन उसको उसके कर्मों का सजा देने के लिए जिंदा बचाया है हमने। कैसा कर्म, कैसी सजा? अरे जो कुछ भी हुआ उसमें अनमोल का कोई हाथ नहीं था। देखो बेटा, ये नफरत की भावना है ना, अपने दिल से निकाल दो, कि नफरत और बदले की भावना से खुद को कष्ट होता है। शांत मन से सोचो, हमारी बात पर विचार करो, समझो कि गुस्सा पाप का जननी है। नहीं दादी, जब तक अपनी बहन के साथ हुए धोखे का बदला नहीं ले लेते, जब तक उस अनमोल की आत्मा तक को नहीं रुला देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और आप अब प्लीज उसका ढाल बनने का कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप हमको खो देंगी। जब हमको मात मिलता था, पर ऋषि अब हमारे पास लौट आया है और 2 गुना नफरत लेकर आया है उस बौनी के लिए। अब हमको उस बौनी पर अत्याचार करने का जरूरत नहीं है, कहे कि ऋषि खुद उस पर अत्याचार करेगा। वो जितना हमको रुलाई है ना, ऋषि अब उसको खून का आंसू रुलाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। काटा वाली, हमारा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि इसमें अनमोल का गलती था, और जब तक हमारा दिल नहीं मानता ना, तब तक हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे अनमोल के साथ। इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि अनमोल को यहाँ आने ही नहीं देंगे। ना वो इस घर में आएगी और ना अत्याचार सहेगी। सुरीली सुन रही हो? वो नहीं आएगी। अरे वो आएगी और अपना पैरों पे चल के आएगी,
और हमारा अत्याचार भी झेलेगी। आप रोक सकती हैं तो रोक के दिखाइए। वो कहा है ना माँ जी कि रात बहुत हो गया है, आप जाके सो जाइए, वो जागी आंखों से सपना मत देखिए, ठीक नहीं होता है, जाइए सो जाइए। हम जानते हैं अनमोल अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए जरूर आएगी, लेकिन इस बार तो बिचारी को ऋषि का नफरत भी झेलना पड़ेगा। कैसे झेलेगी इतना नफरत, कैसे? अनमोल उठ गई? हाँ उठा दिया मैंने। अच्छा, और बहू? हाँ वो भी आ रही है। क्या है, कहाँ जा रही है? हम अपने घर जा रहे हैं। तो बेटा ऐसी हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। और तुमने सुना नहीं था ऋषि ने क्या बोला था? ऋषि के मन में तुमको लेकर बहुत गुस्सा है और इस समय तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन पापा वो हमारा घर है, आपने ही तो सिखाया है कि जिस घर में बेटी का डोली जाती है उसी घर से उसका आरती उठता है। तो फिर हम कैसे छोड़ दे अपना ससुराल पापा? हाँ बेटा हम ही सिखाए हैं, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन इस समय वो घर नफरत की भट्टी बना हुआ है। इसने जो किया है ना उसको लेके सबके अंदर गुस्सा है। हाँ अनमोल पापा जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऋषि नफरत के आग में जल रहा है, वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक कर सकता है अनमोल। ये तो तुमको एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि उस घर में तुम्हारी बहन भी आई है और अब तुम्हारे किए की सजा हमको भुगतना होगा। अनमोल हम इसके लिए शर्मिंदा है और इसीलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक हम ऋषि से माफी ना मांग ले। खबरदार, जो तुम ऋषि के पास भी गए या उस घर में कदम भी रखा तो उस घर के किसी भी सदस्य से बात करने की कोशिश नहीं करोगे तुम। पापा हमको अपने घर जाना होगा, माता रानी है हमारे साथ। दादी। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? हम ठीक है दादी और खुश भी, काहे कि हम अपने ससुराल लौट रहे हैं। नहीं बेटा तुम अभी मत आओ, कहे कि ऋषि बहुत गुस्से में है, नफरत से उबल रहा है, ऐसे में उसे संभालना बेटा मुश्किल हो जाएगा। हम जानते हैं दादी, लेकिन आप ही ने तो समझाया है ना कि मुश्किल चाहे जितना बड़ा हो उसको लड़कर ही जीता जा सकता है। तो हम लड़ेंगे इस मुश्किल हालात से और हम अपने ससुराल को नहीं छोड़ेंगे दादी। यहाँ बाहर है बॉनी, तुम डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकते। माँ जी से हमें पता चला था कि तुम आने वाली, इसीलिए ऋषि के कहने पर हमने तुम्हारे स्वागत का इंतजाम किया है। बहुत बढ़िया बात। हमारे परिवार के साथ तुम्हारे परिवार ने जो किया है उसका पाई पाई का हिसाब भी देना होगा। बदले का हाथ से घर नहीं बसता बल्कि रिश्ता नाता विश्वास सब जला देता है। वो जब जलेगा तब जलेगा,
लेकिन अभी जलेगा तुम्हारे घर वालों का अहंकार, धोखा और बेईमानी। चाची ले आइए। वेलकम अनमोल, इससे अच्छा स्वागत तुम्हारा हो ही नहीं सकता। सुन लिया तुमने, अब इस घर के अंदर आने का इससे बढ़िया तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। आओ हम अपने ससुराल में कठिन से कठिन मुसीबत को झेल के आने के लिए तैयार हैं। ए महारानी, चप्पल खोल के दादी। ऋषि, हम आपकी खातिर कोई भी दुख सह लेंगे। तुम्हारा पैसे तो खून निकल रहा है, चलो अंदर चलो। रुके दादी, अभी तो बस हमारा दिया हुआ खून ही निकल रहा है। अभी तो हमारे पापा का पसीने का कमाई का पैसा लौटाना भी बाकी है। पैसा? आप समझे नहीं ऋषि, हमारी बहन की शादी में जो खर्च हुआ है उसका हिसाब है इसमें। इज्जत तो लौटा नहीं सकती क्योंकि वो तो तुम लोग के पास है ही नहीं, लेकिन पैसे लौटाने होंगे, वो भी पूरे 15 लाख। 15 लाख हमारे पास तो नहीं है ऋषि, और हम कैसे लौटा पाएंगे? क्यों, तुम्हारा भाई तो शादी में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि उसको दहेज में 10 लाख रुपए मिले, वो पैसे कहाँ गए? वो पैसा हमारे परिवार ने हाथ तक नहीं लगाया। वो सब हमको नहीं पता, पैसे तो हमको चाहिए, वहां से नहीं तो कहीं और से ही सही। ठीक है ऋषि, कर्ज रहा हम पर, हम डॉक्टर बन के आपका सारा पैसा लौटा देंगे, एक एक पाई। ना उधार मांग के हमें शर्मिंदा ना करें, ना नौमन तेल होगा राधा नाचेगी, और वैसे भी तुम्हारा तो परीक्षा के धोखाधड़ी में केस चल रहा है, सबूत भी मिले हैं और एडमिशन भी रुका हुआ है, तो ऐसे में तुम डॉक्टर कैसे बनोगी? और जब तुम डॉक्टर बनोगी नहीं तो पैसे आएंगे कहां से? नौमन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी। नीलम तुम फोन उठा लो यार। यार नीलम मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, तुम्हें कैसे बताया यार, मुझे सॉरी बोलना है, तुम फोन उठा लो यार, तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार। जोर से यहां रख दे। नहीं तुम लेके मेरा सर पर रख दो। और तुमसे बोला था ना कि तुम मुझसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करना। दिमाग खराब करके रखती है लड़की। अब तुम जाओ अपने नौकर वाले कमरे में। भैया
देखो ना, ये चिराग हमें फोन करके परेशान कर रहा है। देखिए दोबारा फोन आ रहा है इसका। चिराग, ऋषि हम बात करते हैं ना, आप रुक जाइए। हटो। ऋषि इस नफरत की आग में न जाने चिराग के साथ क्या करेंगे। हे माता रानी, चिराग की रक्षा करना। अभी तक अनमोल का फोन नहीं आया कि वो पहुंची या नहीं पहुंची। अब आप खाना खा लीजिए, जब वो गई है तो वो पहुंच ही जाएगी ना। अरे ऐसे कैसे खा ले, तुम्हारे उस कुपुत्र की वजह से अनमोल को जो दुख देखना पड़ेगा, ये बात क्या जानते नहीं है हम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.